हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चलते हैं भट्टा फॉल, जो कि देहरादून मसूरी के बीच में है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हो भट्टा फॉल के लिए आप रोपवे से भी आ सकते हैं, और आप चाहें तो अपने व्हीकल से इसी तरह से आ सकते हैं जैसे मैं जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, 250 रुपीज़ चार्ज है बोथ साइड का रोपवे में, और वन साइडेड 150 रुपीज़ है। और यहीं से हमारे को रोपवे लेकर आता है, आप देख सकते हो वहां से रोपवे आएगा और हमारे को लेके जाएगा सीधा एडवेंचर पार्क में। तो गाइज आप देख सकते हो ऊपर से भट्टा फॉल का नज़ारा कितना सुंदर है, और सामने आप देख सकते हो सामने है मसूरी, और यहाँ पर है साइड में गेस्ट हाउस, आप चाहें तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। और सामने से आप देख सकते हो भट्टा फॉल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको आगे डिटेल देता रहता हूँ इसके बारे में। तो गाइज अगर आप रोपवे से आएंगे तो आपको मालूम है 250 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा बोथ साइड, और सिंगल साइड का 150 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप मेरी तरह इसी तरह व्हीकल से आएंगे टू व्हीलर से, तो आपको 30 रुपीज़ देना होगा, और एंट्री फीस 50 रुपीज़ है एडवेंचर पार्क की। और अगर आप फोर व्हीलर से हैं तो आपको 100 रुपीज़ देना होगा अब कार पार्किंग। तो गाइज फाइनली आ चुके हैं हम एडवेंचर पार्क के पास, आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री होती है, और यहीं से आपको जो है टिकट मिलेगा 50 रुपीज़ का, और आप इधर ही व्हीकल अपना पार्क कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। गाइज अगर आप घूमने के शौकीन हैं और देहरादून के आसपास रहते हैं, या उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं, मसूरी घूमने आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी जगह है। अभी नया ही बना है ये एडवेंचर पार्क यहाँ पर, और इसी के साथ में नेचुरल भट्टा फॉल भी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस सामने है अगर ट्रैवल कैफ़े, आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, कैफेटेरिया है यहाँ पर, खा पी सकते हैं कुछ, और यहाँ कर सकते हैं आप बोटिंग। बच्चों के लिए ये बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के करने के लिए। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं, और आप ये देख सकते हैं ये एरिया है ओपन कैफेटेरिया, आप यहाँ पर बैठिए ऑर्डर कीजिए और यहाँ पर वादियों के बीच में एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस जगह पर। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सबके लिए बहुत ही प्यारी जगह है, और देहरादून सिटी के बहुत ही पास है। आप मसूरी भी आ रहे हों तो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं कुछ देर के लिए। और आप सामने देख सकते हो ये रोपवे है, और यहीं से कुछ लोग वापस जा रहे हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल देता रहूँगा यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। और आप सामने देख सकते हो स्पाइडर बाइक के साथ ये फ़ोटो ले ली जाए, और फिर आप मेरे को मैं आगे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, सब कुछ मिलता है दोस्तों आप यहाँ पर। और ये देखिए कैफेटेरिया अंदर से, आप यहाँ बैठकर भी एंजॉय कर सकते हैं, और बाहर का नज़ारा देख सकते हो आप यहीं से, ब्यूटीफुल व्यू है। तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं किस तरह से दिखता है ये, और क्या एक्टिविटीज़ होती है ऊपर। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बम्पिंग कार जोन में, आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप बम्पिंग कार का एंजॉय कर सकते हैं, आप देख सकते हो इस जगह को। और गाइज अभी हम आ चुके हैं वीडियो गेम एरियाज में, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, आपके साथ जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और आप ये देखिए किस तरह के यहाँ पर गेम्स हैं,
और इनका चार्जर जो है दोस्तों 50 रुपीज़ से 300 रुपीज़ तक है और 1 मिनट से 5 मिनट तक का उसका टाइमिंग है और आप देख सकते हो इस जगह को। तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़, और उनके क्या क्या चार्जेस हैं वो मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। अभी आप देखते रहिए इस जगह को और आप डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आप खुद ही देख रहे हैं। मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं जब आता था तो वो नेचुरल भट्टा फॉल में आता था, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। और आप ये चार्जर देख सकते हो, यहाँ पर जिप लाइन, कोस्टा जिप लाइन, यहाँ पर बहुत कुछ है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर ये सामने देख रहे हो यह है रॉकेट इंजेक्शन, इसका चार्जेस है 300 रुपीज पर पर्सन। गाइस ये सामने देख सकते हो ये हो रही है ज्वाइंट स्विंग, इसका चार्जेस है 700 रुपीज टू पर्सन। अगर ये सामने देख रही हो ये एक्टिविटीज़ है कोस्टल जिपलाइन, इसका चार्जेस है 600 रुपीज़ पर पर्सन। और गाइज आप ये लिस्ट देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और उनका क्या क्या चार्जेस है, आप देख सकते हो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर छोटी छोटी बाइक है, आपके साथ अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पर बाइक का इंजॉय कर सकते हैं। और सामने आप देख सकते हो वॉल पेंटिंग भोलेनाथ जी की, बहुत ही प्यारी लग रही है सामने, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। और इधर वो जिप्सी का भी एंजॉय कर सकते हैं, ये जीप है, जय हो भोलेनाथ। आप सामने देख सकते हैं ब्यूटीफुल नज़ारा। गाइज अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं, जिसका चार्जेस है 100 रुपीज़ 30 मिनट के लिए। आप देख सकते हो सामने सारा रेट लिस्ट है किस चीज़ का कितना चार्जेस है। गाइज इधर आप इंजॉय कर सकते हो बोटिंग का, ये जो रोलिंग है वॉकिंग रोलिंग, इसका 100 रुपीज़ चार्ज है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो बोटिंग का चार्ज है 50 रुपीज़ 10 मिनट के लिए पर पर्सन। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एडवेंचर पार्क की बाउंड्री ख़त्म होती है और आप सामने देख सकते हो यह है नेचुरल भट्टा फॉल, लेकिन मैं अभी आपको वहाँ लेकर चलूँगा। ये सिर्फ वहाँ पानी आ रहा है, आप देख सकते हो कितना क्लियर वाटर है। और दोस्तों इस जगह पर होता है रेन डांस, जिसका चार्ज है 100 रुपीज़ 30 मिनट के लिए पर पर्सन। अभी आप देख सकते हो इस जगह की मेंटेनेंस हो रही है क्योंकि अभी ऑफ सीजन है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं एडवेंचर पार्क के बाहर और अब देखिए अब जाते हैं हम जो नेचुरल भट्टा फॉल है, जहां पर कोई एंट्री चार्ज नहीं है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर फ्री एंट्री कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मुझे एडवेंचर पार्क से ज़्यादा अच्छी जगह लगती है ये दोस्तों। आइए इस जगह को देखते हैं और आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। आप देख सकते हो नीचे इस तरह से आप यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं पानी में। तो गाइज आप देख रहे हो कितनी नेचुरल जगह है ये, और भट्टा फॉल के लिए हमें सामने से जाना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको वो फॉल दिखाता हूँ। गाइज आप देख सकते हो इसी तरह से हमारे को फॉल तक जाते हुए बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिसमें इसी तरह से अरेंजमेंट है पानी के अंदर, आप आराम से बैठ कर यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही नेचुरल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है दोस्तों। आइए यहाँ पर मैगी का इंजॉय कीजिए, चाय कॉफ़ी या जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो खाइए और इंजॉय कीजिए। और आप सामने देखते हैं वो है फॉल और यहाँ से कुछ आप परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फॉल और आप इसका फ्लो देखिएगा, बहुत ही सुपर फास्ट है दोस्तों।
तो गाइज आपने भट्टा फॉल का फ्लो देखा, कितना सुपर फास्ट है दोस्तों, और यहाँ पर आके आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और ये मसूरी से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इसका बोर्ड दिख जाएगा मसूरी जाते हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाइट कैंपिंग की एक जगह दिखाऊंगा देहरादून में ही, जो कि अभी एक्सप्लोर रही हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है दोस्तों, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। तो जल्दी मिलता हूँ दोस्तों आपको, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।